राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत के मीडिया से जुड़े एक बयान की पोल फिर से विधानसभा में खोल दी। उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक निर्णय की प्रति विधानसभा में पढ़ते हुए कहा कि किस तरह से अशोक गहलोत ने मीडिया कर्मियों को अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह कहते हुए कथित तौर पर धमकाया था कि अगर आपको विज्ञापन चाहिए तो हमें दिखाना होगा। राजस्थान के एक प्रमुख दैनिक राष्ट्रदूत के मालिक जब इस मामले को प्रेस काउंसिल में ले गए तो प्रेस काउंसिल ने उनके खिलाफ फैसला दिया। देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है राजेंद्र राठौड़ ने सदन में। अब संवैधानिक संस्थाओं पर अतिक्रमण हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी का आचरण क्या है? इन्होंने जब अपने साल के दूसरी वर्षगांठ पर 2020 में मीडिया को एक बात कही, अगर विज्ञापन लेना है तो मेरी बात को छापो, अगर विज्ञापन लेना है तो जैसा मैं कहूं वैसा छापो, क्योंकि उन्होंने उस दैनिक राष्ट्रदूत पंडित हजारीलाल जी को आप जानते हो जिन्होंने जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसके एडवर्टाइजमेंट बंद कर रखे थे। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पर राष्ट्रदूत के MD राकेश शर्मा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में गए। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट बना 1978 का। सभापति महोदय, प्रेस काउंसिल ने जांच समिति बनाई और जांच समिति के बाद जस्टिस रचना देसाई ने अपना निर्णय जो दिया वो मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि मालूम पड़ जाए कि मीडिया पर दबाव की बात कहने वाले मुख्यमंत्री जी का खुद का आचरण कैसा है। द प्रेस काउंसिल ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी कमेटी एक्सेप्टेड रीजन फाइंडिंग एंड अडॉप्ट द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी एंड डिसाइड to express its extreme displeasure about the statement in question made by the Chief Minister of Rajasthan, Sri Ashok Gehlot, and observe that in future such statement may be avoided, it may have adverse impact on the print media in general, the council disposed the matter good. क्या हालत है? मैं समझता हूँ इस प्रकार की बातें कोई एक नहीं। सभापति महोदय, मैं अपनी बात कानून व्यवस्था पर लेकर जाऊं, उससे पहले मैं मुख्यमंत्री जी ने एक झुंझुना खूब बजाया। राजस्थान विधानसभा से जुड़े खास अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।